नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड के कुछ लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड के स्टार्स अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। वहीं अब इसी चर्चा के शिकार बॉलीवुड के फेमस और बेहद खूबसूरत कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी हो गए हैं। दरअसल इधर भी सोशल मीडिया पर एक खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि रणवीर और दीपिका के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और दोनों के बीच अनबन वाली सिचुएशन पैदा हो गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले में खुद एक्टर रणवीर सिंह सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक्टर ने इस तरह से इस मुद्दे पर अपनी बात भी रखी है। तो क्या कुछ कहा है रणवीर ने, जानते समझते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को लेकर एक ट्वीट सोशल मीडिया पर इधर बीच काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है कि रणवीर और दीपिका के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी का जवाब देते हुए रणवीर सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने और दीपिका पादुकोण के रिश्ते को लेकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम दोनों 2012 में रिलेशनशिप में, अब 2022 आ गई है, हम दोनों को मिले हुए 10 साल हो गए हैं। एक्टर के इस जवाब ने ट्रोलर्स की कहीं ना कहीं बोलती बंद कर दी है। We met and started dating in 2012, so 2022 is 10 years of me and Deepika. वही रणवीर से मिले जवाब के बाद अब वायरल हो रहे ट्वीट को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। वही हाल ही में खबर आई थी कि दीपिका की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। हालांकि अब एक्ट्रेस की हालत में पहले से काफी सुधार भी आ गई है। वहीं रणवीर और दीपिका ने साल 2018 में शादी की थी, जहां दोनों ने बड़े ही साधारण और बड़े ही चुनिंदा लोगों के बीच ही शादी रचा ली थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की कंपनी को खूब एंजॉय भी करते रहते हैं। वहीं रणवीर और दीपिका फिलहाल दोनों ही अपने वर्क कमिटमेंट को पूरा करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से भी दोनों एक दूसरे को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। हालांकि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए दोनों वेकेशन पर भी जाते रहते हैं। वेल, अब ये पूरा माजरा सुनने के बाद रणवीर और दीपिका के रिश्ते पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वेल, अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।